प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष सरकार को घेरने के किसी भी मौके से नहीं चूक रहा है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का आरोप लगाया। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में दो सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है। इसी तरह मनाली व सोलंग में बन रही संपत्तियों को भी निजी हाथों में देने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि पहले सरकार ने करोड़ों रुपए कर्ज लेकर संपत्तियों को तैयार किया और अब उन्हें निजी हाथों में लुटाने पर उतारू है। जो एडीबी की प्रॉपर्टियां जो कर्जे लेके तैयार की, अब उनको जो है औने पौने दाम में आनन फानन नीलाम किया जा रहा है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने दो प्रॉपर्टियां प्राइवेट सेक्टर को दे दी जो हाल ही में बनके तैयार हुई, जिनमें कि करोड़ों रुपए लगे हैं। पैसा सरकार ने खर्च किया, सारी मशीनरी लगी रही, कर्जे लिए गए और इतना बड़ा जो है पर्यटन विभाग ने मेहनत करके जो ये संपत्तियां खड़ी की, आपने जो है एकाएक उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया।